वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट है, देखेंगे सातवीं आठवीं वेतन आयोग वेतनामा की एक चार्ट 2024। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय अधिकारियों के वेतन में उत्तराधित्व वाले मुद्दों के बावजूद त्वरित लागू करने का आश्वासन दिया है और विवादों के बावजूद सरकार ने नए वेतन आयोग को तब्दील करने की तारीख भी अभी तक निर्धारित नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को संवर्धन का भरोसा है और उन्हें विलंब के बावजूद नए वेतन आयोग के लिए 2 साल का समय माना गया है। सरकार ने कहा है कि विलंब की घातकता है और कर्मचारियों को धीरज रखना होगा, समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है लेकिन सरकार सकारात्मक दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। आठवें पे कमीशन में सैलरी कितनी होगी? यदि किसी की सैलरी 1000 रुपये है तो 8% कमीशन मिलता है तो उसे 920 रुपये मिलेंगे। इसके बदले में यदि किसी की सैलरी 5000 रुपये है तो उसको 8% कमीशन से 4600 रुपये बचेंगे। सैलरी की वृद्धि के साथ कमीशन भी बढ़ता है। 10000 रुपये की सैलरी पर 8000 कमीशन से 920 रुपये मिलते हैं, जबकि 20 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 1840 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार के बड़े सैलरी के साथ कमीशन भी बढ़ता है, जैसे कि 50000 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से जो है 4600 रुपये आते हैं। अब इस पैटर्न को देखते हुए 1,00,000 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 9200 रुपये मिलेंगे, जबकि 2,00,000 रुपये की सैलरी कमीशन पर जो है 8% कमीशन से 18400 रुपये होंगे। 5,00,000 रुपये की सैलरी पर सीधे यहाँ पे 46000 रुपये मिलेंगे 8% कमीशन से, और जबकि 10,00,000 रुपये की सैलरी पर जो है 92000 रुपये 8 के हिसाब से मिलेंगे। बता दें अगर डीए 50% तक पहुँच जाए तो क्या होगा? आर्थिक सुधार संकेत डीए 50% तक पहुँचना जो है विनिवृत्त से आर्थिक स्थिति सुधार संभव, वित्तीय समस्याओं का सामना करें और नियमित वित्तीय परीक्षण का महत्व, वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल करें और आर्थिक सुधार की योजनाएं बनाएं और लागू करें। सकारात्मक कदमों से जो है भावनाएं बढ़ सकती है। निरंतर आर्थिक जांच का महत्व है, आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें, आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें और सुधार की संभावनाएं बढ़ने के लिए आपके परिश्रम करें और सकारात्मक कदम उठाएं आर्थिक सुधार के लिए। और 4200 ग्रेड पे क्या है? और सरकारी नौकरी में 4200 ग्रेड पे पदों पर वेतन का स्तर उच्च होता है और इन पदों पर कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और समय समय पर सेवा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। चयन प्रक्रिया इस स्तर पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ काम करने वालों को अधिक जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इस स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को अपनी समर्पितता का परिचय कराना पड़ता है और वे अपनी क्षमता से कठिनाइयों का सामना करते हैं और यहाँ काम करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है और पदों की संख्या भी सीमित होती है। अब इस स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी को संगठन में अपना योगदान देने का संकल्प होना चाहिए। ये पद सम्माननीय होते हैं और उनके वेतन और सुविधाओं का भी निश्चित आधार होता है। अब आठवें पे कमीशन कब लगेगा? तो कमीशन की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, घोषणा की तिथि अभी तक निश्चित नहीं है, स्वीकृति आठवें पे जो है अभी तक नहीं मिली है।
कमीशन का समय अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आगामी समय में कमीशन की जो है घड़ी होगी, स्थिति अभी भी अस्पष्ट, इंतजार कर रहे हैं और कमीशन की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो कमीशन की तारीख का निर्धारण भी अभी तक नहीं हुआ है, आगामी समय में इंतजार करें और कमीशन का निर्धारण होगा अवश्य। ऐसे दोस्तों, न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।